हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हैं और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रख रहे हैं। मैं हूँ डॉक्टर सोनल और ओजस हेल्थ केयर में आज हम बात करेंगे ओवर द काउंटर मिलने वाले मेडिकेशंस के बारे में। किन केसेस में ओवर द काउंटर मिलने वाले मेडिकेशंस आमतौर पर यूज किए जाते हैं? अगर इनका लंबा और अनसुपरवाइज्ड यूज किया जाए तो क्या साइड इफेक्ट्स होने के चांसेस रहते हैं? और जनरली होने वाली कॉमन प्रॉब्लम्स में क्या स्ट्रैटेजी को फॉलो करना अच्छा रहता है जिससे कि आप इन परेशानियों से बचें? तो आइए शुरू करें। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि ओवर द काउंटर मिलने वाले मेडिकेशंस का तकरीबन 190 बिलियन यूएस डॉलर का मार्केट शेयर है और यह मार्केट शेयर प्रति ईयर पर साल 7-8% के रेट से ग्रो कर रहा है। यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज में ओवर द काउंटर मिलने वाले मेडिकेशंस फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। वहीं पर चाइना, जापान और इंडिया जैसी कंट्रीज में भी इसका इस्तेमाल धीमे धीमे बढ़ रहा है। कभी कभी महिलाएं लॉन्ग टर्म तक चलने वाले वाइट डिस्चार्ज या इरेगुलर ब्लीडिंग के केसेस में भी ओवर द काउंटर मेडिकेशन का इस्तेमाल करती हैं। तो आइए बात करते हैं कि किन केसेस में ओवर द काउंटर मेडिकेशन ज़्यादातर यूज किए जाते हैं, क्या इनके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और जनरली होने वाली कॉमन इलनेसेस में क्या स्ट्रेटजी को फॉलो करकर इनसे होने वाले साइड इफेक्ट से या लंबे समय तक के ऐसे यूज के दुष्परिणाम से बचा जा सकता है। तो आइए शुरू करें। सबसे पहले और सबसे ज्यादा कॉमनली जो दवाइयाँ यूज की जाती हैं उसमें होती है एनाल्जेसिक्स या दर्द निवारक दवाइयाँ। आमतौर पर सर में दर्द, कमर में दर्द, पैर में दर्द ऐसी परेशानियों के लिए ज्यादातर लोग केमिस्ट से दवाइयाँ लेकर खाना पसंद करते हैं। पर अगर ये दवाइयाँ लंबे समय तक ली जा रही हैं या ज्यादा फ्रीक्वेंटली ली जा रही हैं तो कभी कभी ये किडनीज या गुर्दों को डैमेज कर सकती है। वे लोग जो ऑलरेडी इन परेशानियों से ग्रसित हैं, कई बार हो सकता है उनको जानकारी नहीं है, और अगर वे दवाइयाँ लंबे समय तक बिना किसी डॉक्टर सलाह के ले रहे हैं तो कभी कभी ये परमानेंट रिनल डैमेज कर सकती है। लॉन्ग टर्म डायलिसिस या रिनल ट्रांसप्लांट की भी जरूरत पड़ती है। वहीं पर कॉमन कोल्ड, फ्लू, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन इस तरीके की कॉमन इलनेसेस के लिए भी ज़्यादातर ओवर द काउंटर ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर ये वायरल इन्फेक्शन होते हैं और 3-5 दिनों का समय लेकर आमतौर पर ठीक हो जाते हैं। अभी हाल ही में कोविड की वजह से काफ़ी लोगों ने ओवर द काउंटर मेडिकेशन का इस्तेमाल किया, लेकिन एक बात इसमें ज़रूर सामने आई कि वे लोग जो कि हल्के फुल्के लक्षणों के साथ डॉक्टरी सलाह के लिए चले गए, उन्होंने अपने इन्वेस्टिगेशंस और ट्रीटमेंट को अच्छे से फॉलो किया, उनमें खतरनाक परिणाम कम देखे गए, बजाय कि वे लोग जो काफ़ी दिनों तक घर पर ट्रीटमेंट करते रहे और गंभीर हालत में डॉक्टर के पास पहुँचे। तो इसलिए अगर आपको कुछ वायरल इन्फेक्शंस हैं तो थोड़े दिनों तक आप 2-3 दिनों तक घर पर मेडिकेशंस ट्राई कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टरी कंसल्टेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसा कि आपने एक कहावत सुनी होगी कि अगर आपको शिक्षा महंगी लगती है तो आप अशिक्षा या अज्ञानता को ट्राई कर सकते हैं, उसी तरीके से अगर मेडिकल कंसल्टेशन आपको महंगा लगता है तो ओवर द काउंटर मिलने वाले मेडिकेशंस के यूज़ के बाद के साइड इफ़ेक्ट को अगर आप देखें तो आपको ये बिल्कुल भी महंगा नहीं लगेगा। वहीं पर महिलाएं जो कि वाइट डिस्चार्ज या इरेगुलर ब्लीडिंग से पीड़ित होती हैं और कभी कभी वो ओवर द काउंटर मिलने वाले कुछ आयुर्वेदिक सिरप्स को लेते रहते हैं जो कि कभी कभी खतरनाक हो सकते हैं। लंबे समय तक चलने वाला वाइट डिस्चार्ज या इरेगुलर ब्लीडिंग कभी कभी गर्भाशय के मुंह का या गर्भाशय की झिल्ली के कैंसर का इंडिकेटर हो सकता है। तो ऐसे केसेस में डॉक्टरी सलाह लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और अजीब बात जो हमारे देश में आमतौर पर देखी जाती है कि महिलाएँ कॉन्ट्रासेप्शन का इस्तेमाल करने के बजाय अनवांटेड प्रेगनेंसी से परेशान होती हैं और उसको टर्मिनेट करने के लिए ओवर द काउंटर मिलने वाली अबॉर्शन पिल्स का इस्तेमाल करती हैं। हालांकि ओवर द काउंटर सेल ऑफ अबॉर्शन पिल टोटली इलीगल है, गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी हमारे देश में ये आम तौर पर मिल जाती है। इसलिए ओवर द काउंटर मिलने वाली अबॉर्शन पिल्स अगर लंबे समय तक ब्लीडिंग का कारण बन रही हैं तो ज़रूर अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए और उनसे सलाह के बाद ही आगे के काम को पूरा करिए। तो अब मैं बात करती हूँ ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं जिनको फॉलो करके आप इन छोटे छोटे कॉमन इलनेसेस से बच सकते हैं, या अगर ये परेशानियाँ आपको आ रही हैं तो किस तरीके से ओवर द काउंटर मिलने वाले मेडिकेशंस के साइड इफेक्ट से आप बच सकते हैं। सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात कि अगर आप किसी ओवर द काउंटर मिलने वाले मेडिकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं जुकाम, बुखार या दर्द जैसी परेशानियों के लिए, इसका इस्तेमाल लंबे समय तक करने से बचें। अगर आपको किसी दवा की ज़रूरत 3-5 दिनों से ज़्यादा के लिए पड़ रही है तो ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही आगे का ट्रीटमेंट कंटिन्यू करें।
महिलाएं जो कि लंबे समय तक वाइट डिस्चार्ज या इरेगुलर ब्लीडिंग से परेशान हैं, उन्हें ज़रूर अपने डॉक्टर से चेकअप कराना चाहिए, अपने रेगुलर हेल्थ चेकअप्स को लेना चाहिए, क्योंकि गर्भाशय के मुंह का कैंसर और गर्भाशय की झिल्ली का कैंसर बहुत बार सिर्फ वाइट डिस्चार्ज और इरेगुलर ब्लीडिंग की तरह प्रेजेंट करता है और ट्रीटमेंट न होने के बाद कारण कई बार ये ऐसी हालात में पहुँच जाता है जबकि सर्जरी द्वारा भी इसका इलाज संभव नहीं होता। इसलिए अपने सिम्टम्स को जो कि लंबे समय तक चल रहे हैं बिल्कुल भी इग्नोर ना करें और डॉक्टरी सलाह के लिए ज़रूर जाएं। दूसरी बात जो यहाँ पर मैं आपको ऐड करना चाहूँगी कि रेगुलर हेल्थ चेकअप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रेगुलर हेल्थ चेकअप्स आपको कॉमन इलनेसेस जैसे डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीजेस या गर्भाशय या जननांगों की किसी बीमारियों के बारे में जानकारी समय से पहले दे सकते हैं, जिससे कि आप उनका पूरा और सही इलाज लेकर उनसे होने वाली परेशानियों से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। वैक्सीनेशन एक ऐसा तरीका है जो कि कई बीमारियों से बचाने के लिए कारगर होता है। अभी कोविड के समय में हमने देखा कि जिस तरीके से कोविड वैक्सीनेशन मास स्केल पर किया गया तो कोविड से होने वाले इंसिडेंसेस को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया गया। उसी तरीके से गर्भाशय के मुंह के लिए ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन अवेलेबल है, फ्लू वैक्सीन अवेलेबल है। इस तरीके के वैक्सीनेशंस के बारे में अपने डॉक्टर से सलाह करके आप अपनी प्रिवेंटिव हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। इसलिए अपने डॉक्टर से वैक्सीनेशन के बारे में ज़रूर जानकारी लीजिए। और चौथी और ज़रूरी बात यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक अच्छे हेल्थ इंश्योरेंस को ज़रूर आप लीजिए। किसी भी इंश्योरेंस कंसल्टेंट से आप बात कर सकते हैं, ऑनलाइन आप रिसर्च कर ले सकते हैं, तो एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि डॉक्टरी सलाह को अवॉइड करने का एक मेजर रीज़न होता है डॉक्टर की फ़ीस। बहुत सारे लोग डॉक्टर की फ़ीस से बचने के लिए ऑनलाइन मेडिकेशन का या ओवर द काउंटर मेडिकेशन का सहारा लेते हैं, जो कि कभी कभी खतरनाक हो सकता है। तो अगर आप एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो आप अपने डॉक्टर की फ़ीस उस इंश्योरेंस में कवर कर सकते हैं और अच्छी डॉक्टरी सलाह को लेकर अपनी सेहत का पूरा ध्यान रख सकते हैं। इसलिए जागरूक रहिए, स्वस्थ रहिए और फिट रहिए। धन्यवाद।